अजोके नौजवान सहनशीलता दियां हद्दां पार करन दे नाल नाल बेवकूफ़ी दियां हद्दां भी पार करदे नज़र आ रहे ने। एक मुंडा जिहड़ा कि 11वीं जमात दे विच पढ़दा है, उसदे वल्लों नाल दे मुंडे नूं बस दे विच थोड़ा अगे होण दे लई की कह दिता गया। उस तों बाद बस चों उतरदे ही उस मुंडे ने कुटमार करनी शुरू कर दित्ती। इन्ना ही नहीं, जिस 11वीं क्लास के विद्यार्थी ने अगे होने दे लई कहा सी, उस दे स्कूल तक यह गुंडागर्दी करन नौजवान पहुँच के क्लास के विच मौजूद मुंडे ते हमला कर दिता। दस दिए कि उस समय अध्यापक भी मौजूद सी, अध्यापका उस स्कूल दे विच मौजूद सी, प्रिंसीपल अते बाकी दा स्टाफ सी। बच्चों के सामने ही किवें 11वीं जमात के विद्यार्थी नूं वड्या गया, वह तस्वीर खौफनाक ने। वह सारा कुछ दिखाया नहीं जा सकता, पर तुहानूं दस दिंदे आ कि मामूली गल तो बाद नौजवानों के वलों झुंड बना के 11वीं जमात के पढ़ते मुंडे ते तेज़ तार हथियारों के नाल हमला किया गया। बेहद ही मंदभागी गल है कि स्कूल के पढ़ते नौजवान तो स्कूल के अंदर दाखिल होकर अजिही हरकत की गई है, जिसनों लैके जिथे स्कूल के सहम का माहौल बनया उत्थे ही अध्यापक भी इस गल तो काफ़ी ज़्यादा खफा ने। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। दस दिए कि इस संबंधी सिविल हस्पताल पट्टी विखे दाखिल हो पीड़ित गुरबीर सिंह पुत्र तरसेम सिंह वासी पिंड बासरके ने दसिया कि 10 तरीक के दरम्यान ही स्कूल दे विच पढ़ते कुछ नौजवान अते उन्हां दे नाल मदद करन आए। कुछ अणपछाते नौजवानों के वलों स्कूल के अंदर क्लास के विच आके ही उसते हमला किया गया। गुरबीर ने भी दसिया कि बीते कुछ दिन पहला उसने पिंड चक बाबा दे नौजवान जसबीर सिंह नूं बस दे विच भीड़ होण कारण अगे होण दे लई कहा सी, तां उपरोक्त नौजवान दे वलों पहलां तां उसकी कुटमार की गई अते फिर धमकियां दित्तियां गईयां कि तैनू देख लवांगे। इस तों बाद जसबीर सिंह अपने नाल कुछ होर नौजवानों नूं लै के स्कूल दे अंदर आ वड़िया अते लेडी अध्यापक दी हाजरी दे विच ही तेज़ तार हथियारां दे नाल मुंडे नूं जख्मी कर दिता। गुरबीर सिंह ने दस्या कि उसनूं जख्मी हालत दे विच स्कूल अध्यापका अते विद्यार्थियों की मदद दे नाल पहला भिखी विंड दे प्राइवेट हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया सी, जिथे उसनूं डाक्टरां दे वलों मुढ़ली सहायता देण तों बाद हस्पताल पट्टी विखे भेज दिता गया। बेहद ही अहम गल दस दिए कि स्कूल दे विच वापरी अजिही मनभागी घटना तो बाद स्कूल दे विद्यार्थियों दे मना दे विच सहम दा माहौल बन गया। अध्यापकां दी हाजरी दे विच ही स्कूल ते नौजवान ते हथियारां दे नाल हमला किया गया। स्कूल दे प्रिंसीपल सतिंदर सिंह पन्नू दे वल्लों इस मामले संबंधी लिखती दरखास्त थाणा भिखी विंड नूं दे के दोषियों दे खिलाफ बनदी कार्रवाई की मांग की गई है। उत्थे इस मामले संबंधी थाणा भिखी विंड दे ASI चरणजीत सिंह दे नाल गलबात की तां उन्हां कहा कि सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भिखी विंड के प्रिंसीपल सतिंदर सिंह के वलों उन्होंने दरखास्त मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रिंसीपल के वलों दी दरखास्त से बरीकी के नाल जांच पड़ताल की जाएगी, तो बनती कार्रवाई अमल के लिया जाएगी। की नाम भीर अपना? जबर सिंह। जबर सिंह गुरबीर सिंह पट्टी सिविल हॉस्पिटल दाखिल है, की लगता तेरा? सर क्लास पेट की गल हुई है, काफ़ी ज़्यादा सट्टा लगियां? सर बस के भीड़ ज़्यादा, उन्हें कहा ही कि नाल का माड़ा साइड होया तो सर इस गल नाल गल पै गई। केड़ा बंदा है? जसबीर सिंह चक। केड़ी गलों गल केड़ी गलों पै गल इस गलों पै गया कि बस के भीड़ ज़्यादा ही, इन भैनियों के नाल बच्चे जड़े ही, तो इन्नी नाल उन्हें कहा कि जसबीर माड़ा गाँव गया, भीड़ ज़्यादा भी कुड़ियाँ जड़िया ही, आंदा कि मैंने इन गल आके जाके करके उस बाद भी गल पे उस बाद उन्हें क्लास में मुंडे लिया पाए। अच्छा। मुंडे पाए तो बाद मुड़के अं बस स्टैंड आए हैं, दो तीन बारी उन्हें उत्थे गल पे, दो बारी उत्थे कुटे इन गोरे की गल पै गए, बाद मुड़के एक तीजी बारी उन्हें बस स्टैंड आए गल पे। किन्ने के जाने से उदो? उदो सर अं 6-7 जाने जे आपके मुंडे अं बस स्टैंड आए हाँ, तो 15-20 जाने। अच्छा। तो किस स्कूल पढ़ते हैं? सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भिखी। लड़के? लड़के वाले पढ़ते हैं। तो जिदन गल पे उदन स्कूल के अंदर आके गल पे दातरन? हाँ जी सर। किन्ने के जाने से?
सर उदन तो मेरे ख्याल चार पाँच जने आए होने अंदर जे आए बाकी बाहर से बाकी सारे बाहर तो हथियार की है जिन्होंने हमला किया सर उन्होंने दातर जी दातर लिया पिंड हटा के लिया मैडम ही छुड़ा आशा मैडम छुड़ा तो आशा मैडम ने बच गए शरीर भी बच गए की मंग की करते जो हूँ सर इंसाफ इंसाफ चाहिए ठीक हाँ जी सर एक ना भिखी मिंड लड़के स्कूल है सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़के पट्टी रोड से उत्थे एक झगड़ा होया सी मुंडे दे काफ़ी सट्टां लगियां मैडम दे भी दातर दूतर मारे की मसला है सारा एक ना दरखास्त आई ही प्रिंसीपल साहब पन्नू साहब वालों उन्होंने कहा है भी आ चार लड़की है जिन्होंने आ के भुलड़बाजी करके तो मुंडिया के लड़ाई झगड़ा किया जी उस संबंध में दरखास्त आई है तो प्रिंसीपल साहब जोड़े वो कहते भी अं आ कार्रवाई करावे कल संडे होने करके आ नहीं सके तो अज उन्होंने संपर्क किया स्कूल च नहीं आए अच्छा। जदों भी आवे जो रिजल्ट आएगा उन्होंने मुताबिक कार्रवाई की जाएगी जो मुंडे से सट्टा लगियां उसका रिजल्ट मतलब कि जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं जी जो भी रिजल्ट जो आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी ठीक हाँ जी सर की नाम है अपना मेरा नाम डॉक्टर जगदीप सिंह सिविल हॉस्पिटल सर एक बासरके तो लड़का है गुरबीर सिंह सन और तरसेम सिंह थोड़े को इतने सट्टा लगियां स्कूल के दाखिल हो किस तरह कंडीशन सर उसकी हूँ इस वे स्टेबल हैगा पर जिस दिन आया सीगा परसों आया सीगा उदो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है तो सट्टा आप स्टिचिंग वगैरह करती सी खून रोकने वास्ते हूँ इस वे स्टेबल है कितने कितने सर सट्टा लगियां वो एक सिर से सट सी तार हथियार लगाई गई सी एक कोहनी पे सी दूजिया सट्टा सी पिट से लत्तां पे तो सर परचा वगैरह वो जो थोड़े तो हाँ जी वे एक्सरे हो चुके हैं तो असी एक्सरे रिपोर्ट तो परचा ऑनलाइन करवा के सारा अगर से सारी कार्रवाई खत्म कर देंगे बाकी पुलिस अगर कार्रवाई करेगी ठीक सर धन्यवाद तुसी सुनिया कि किस तरह दे नाल अजकल दे छोटे छोटे जवाक भी वड्डे वड्डे कम्मां नूं अंजाम देण दी फिराक दे विच ने डॉक्टर साहब दे वल्लों जिस तरह दस्या गया दसवीं ग्यारहवीं दे विच पढ़दे इस मुंडे गुरबीर सिंह दे नाल अजिही वैश्याना ढंग दे नाल कुटमार कीती गई सी कि इस दे डूंघियां सट्टां तक लगियां अते इस दे सिर दे विच ओह सट्टां मारियां गईयां सन कि इस नूं जानों ही खत्म कर दिता जावे चंगी किस्मत दे नाल सही समें ते गुरबीर नूं हस्पताल लिआंदा गया अते डॉक्टरां दे वल्लों सही ढंग दे नाल उसका इलाज करके उसकी जान बचाई गई है दस दिए कि बेहद ही मंदभागी खबर है यह कि स्कूल दे विच पढ़ते हुए विद्यार्थी ते हमला किया गया अते राह दे विच बचाउण आई उस अध्यापिका मैडम नूं भी नहीं बख्शा गया उस ते भी हथियार दे नाल हमला किया गया वह भी जख्मी होए ने इस सारे हादसे दे दौरान हुण यह देखना होवेगा कि प्रिंसीपल दे वल्लों शिकायत दर्ज करवाउण तो बाद पुलिस वालियां दे वल्लों की कार्रवाई की जाती है ताकि आने वाले समय दे विच बच्चे अपने आप नूं स्कूल दे अंदर सुरक्षित महसूस कर सकण